चना, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, मटर व राजमा भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलें हैं। इन फसलों में अनेक प्रकार के मृदा जनित बीमारियों का प्रकोप होता है, जो फसल की बुआई के पश्चात बीजों व पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। जमाव के बाद पौध अवस्था में भी कई प्रकार के रोग एवं कीट अनुकूल वातावरण मिलने पर दलहनी फसलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिससे खेतों में पौधों की संख्या में कमी आती है और उत्पादन प्रभावित होता है। बीजों के अच्छे अंकुरण तथा खेतों में स्वस्थ पौधों की पर्याप्त संख्या हेतु बीजों को बुआई से पहले विभिन्न रसायनों एवं जैव नियंत्रकों द्वारा शोधित करने की सलाह दी जाती है। इन रसायनों व जैविक नियंत्रकों से बीजोपचार से फसल को सही लाभ देने के लिए ये आवश्यक है कि इनका प्रयोग सही क्रम में और सही समय अंतराल से किया जाए। बीजोपचार के सभी घटकों के प्रयोग के सही क्रम को हम FIB के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ F से फंजिसाइड यानी कवकनाशी, I से इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी और B से बायो इनोक्यूलेंस यानी जैव नियंत्रक व वृद्धि उत्पाद हैं। दलहनी फसलों की बुआई से पहले बीजों का उपचार सर्वप्रथम कवकनाशी रसायनों से करना चाहिए। इनमें लगने वाले महत्वपूर्ण रोगों जैसे उकठा, जड़ गलन, मूल विगलन एवं अन्य बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बुआई से पूर्व बीजों को कार्बोक्सिन 1 ग्राम तथा थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। दलहनी फसलों में लगने वाले विभिन्न रस चूसक कीटों जैसे एफिड, थ्रिप्स, जेसिड एवं सफेद मक्खी आदि के प्रभावी प्रबंधन के लिए बीजों को संस्तुत कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए।